मेरा व्यक्तित्व ही मेरी पहचान होगा। एक दिन हर जुबां पर मेरा ही नाम होगा। मेरी जिद है कि लिखूं खुद ही अपनी तकदीर। मुस्सा बनना सबके दिल का पहला अरमान होगा। यही जज्बा, यही जोश दिल में संजोए बाड़मेर के जाटों का बेड़ा गांव की हैंडबॉल खिलाड़ी पूजा अपनी सफलता के सफर पर अग्रसर है। हर काम में जहीन पूजा ना केवल बेहतरीन खिलाड़ी हैं, बल्कि माता पिता के प्रति सेवाभावी और भाई बहनों के प्रति स्नेहिल भी हैं। अच्छी है, हमारे को डाती है, साथ साथ खेलती है, घर का काम करती है। वीर तेजा पब्लिक स्कूल सारला में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली पूजा का चयन जब 2016 के अंडर 14 राष्ट्रीय खेलों के लिए हुआ तो वो अन्य लड़कियों के लिए मिसाल बन गई। हमारे स्कूल में लड़कियों की टीमें आई थी, उसमें से हमारी टीम भी गई थी और उसमें से हमारे राष्ट्रीय स्तर पर चयन है, उसमें हम नेशनल खेलने के लिए गए। 2015-16 में मेरे स्कूल में टूर्नामेंट हुआ, जब मैं यहाँ बच्चों को खेलना शुरू करवाया तो उस खेल में सबसे बेस्ट लड़की पूजा थी। पूजा दौड़ने में, भागने में, बॉल गोल करने में बहुत माहिर थी। उसकी देखा देखी बहुत सी लड़कियां हैंडबॉल खेल की तरफ आकर्षित हुई। पूजा अपनी कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता के साथ अपने कोच को भी देती हैं। बीकानेर में हुई राष्ट्रीय खेल चयन प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त कर पूजा ने सिद्ध कर दिया कि उनमें राष्ट्रीय खिलाड़ी बनने के गुण विद्यमान हैं। बच्ची को मैं खेलते देखता हूँ, बहुत मेरे ऊपर हमारी बच्ची ही वैसे पढ़ाई भी करती, खेली करती, बहुत अच्छी लगती है। आगे उसी लेती रहती, पढ़ाई भी लेती, घर का ही काम लेती, खेल कूद भी लेती। किसान पिता की बेटी ने हिम्मत और परिश्रम अपने पिता से ही पाया है। छोटे भाई बहन भी पूजा को अपनी प्रेरणा मानते हैं। मैं भी पूजा दीदी की तरफ बनना चाहती हूँ और उसके नक्शे कदम पर चलते हुए इसी खेल में भाग्य आजमा रहे हैं। परिवार में सबसे बड़ी पूजा है और उससे छोटी है सेवा, वो भी स्टेट लेवल तक खेली हुई है। उससे छोटा उसका भाई है प्रवीण, वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेला हुआ है। उसकी छोटी बहन है प्रियंका, वो पांचवी में, वो भी बहुत इंटरेस्ट ले रही है हैंडबॉल खेलने। मैं समाज में ये कहना चाहती हूँ कि बेटियों की इच्छाओं को न दबाएं और बेटियां बेटों से कम नहीं। पूजा ऐसे ही अपने परिवार और बाड़मेर का नाम रोशन करती रहे, इसी शुभकामना के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे युवा हौसले की एक नई सच्ची कहानी के साथ।